Welcome to the Ved Mishra classes, and today is our topic related to the retail class, and today is our topic of retail outlets. देखिए class, आज का जो topic है retail student के लिए है और आज जो हमारा topic है retail outlets. चलिए दोस्तों retail outlets के ऊपर बढ़ते हैं. देखिए ये PDF है retail outlets की, इसके ऊपर समझते हैं थोड़ा सा पहले और retail outlets के जो ये types हैं उसके ऊपर बढ़ते हैं. देखिए retail outlets होता क्या? देखिए retail और आउटलेट्स, रिटेल का मतलब और आउटलेट्स को अगर जॉइंट आउट करते हैं तो रिटेल आउटलेट्स का मतलब हो गया, आउटलेट्स का मतलब होता है स्टोर, कोई मार्केट, ठीक है ना. तो रिटेल आउटलेट्स का मतलब हो गया एक ऐसा प्लेस जहां पर रिटेलर्स होते हैं वो कस्टमर को डील करते हैं, यानी कि ऐसा प्लेस जहां पर एक ऐसा मार्केट, एक ऐसी लोकेशन जहां पर सामान, कोई गुड एंड सर्विसेज को सेल किया जाता है रिस्पेक्टिव मार्केट में रिटेलर और कस्टमर के हेल्प से, ऐसे प्लेस को हम क्या कहेंगे, रिटेल आउटलेट्स. या कोई मार्केट हो गई, कोई मॉल हो गया, कोई सुपरमार्केट हो गया, ऐसे प्लेसेस को हम क्या कहेंगे, रिटेल आउटलेट्स. यहाँ पर कस्टमर और रिटेलर का आमना सामना होता है, जहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है बाइंग और सेलिंग को लेकर के इन द हेल्प ऑफ द कंसल्टेशन के रूप में. तो उसे हम क्या कहेंगे, रिटेल आउटलेट्स. देखिए सबसे पहले 8 टाइप्स के रिटेल आउटलेट्स होते हैं, उनको समझते हैं. देखिए सबसे पहले आपका आता है डिपार्टमेंटल स्टोर. डिपार्टमेंटल स्टोर एक ऐसा स्टोर होता है जहां पर, इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूँ ज्यादा इजीली होगा. डिपार्टमेंटल स्टोर एक ऐसा स्टोर है जहां पर एक बिल्डिंग के अंदर एक छत के नीचे कई सारे डिपार्टमेंट में कई सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, जहां पर आपको लार्ज स्केल पर, लार्ज रेंज पर प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है ना. वहां पर क्या होगी, रेंज होगी. अगर आप शूज के जाएंगे, शूज की वैरायटी होगी, उसके अंदर भी पीसेस बहुत ज्यादा होंगे, लार्ज अमाउंट में आपको प्रोडक्ट मिलेगा. और वहां पर कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्रल्स, ज्वेलरीज, टॉयलेटरीज, कॉस्मेटिक्स, फुटवेयर, स्पोर्ट वेयर, टॉयस, बुक्स. तो कहने का मतलब मिक्सअप एक तरीके से स्टोर्स होता है डिपार्टमेंट स्टोर, लेकिन वहां पर डिपार्टमेंट बने होते हैं, जैसे अलग अलग क्लास होती है ना उस तरह आपका बना रहता है. देखिए इनके एग्जाम्पल, देखिए डिपार्टमेंट स्टोर का एग्जाम्पल होता है पैंटलून और शॉपर स्टोर. देखिए ये आगे बढ़ते हैं डिस्काउंट स्टोर. देखिए डिस्काउंट स्टोर ऐसा स्टोर होता है जहां पर आपको, अगर आप हंग रेंज का मतलब हो गया, लार्ज रेंज में अगर प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वहां पर क्या मिलेगा, डिस्काउंट. लेकिन अधिकतर क्या होता है आजकल की जनरेशन में, डिस्काउंट स्टोर की डेफिनेशन ये है आजकल की लाइफ में कि डिस्काउंट स्टोर एक ऐसा स्टोर होता है जहां पर आप एक पीसेस लें या 100 पीसेस लें, सब पे क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा आपको. लेकिन वहां की जो कमी होती है ये होती है कि वहां पर इंफीरियर गुड्स, जो फैशन में नहीं चल रहे, उस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है. तो ऐसे स्टोर को हम क्या कहें, डिस्काउंट स्टोर. जैसे कि वॉलमार्ट है, इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है, यूनाइटेड स्टेट में चलता है और इंडिया में विशाल मेगा मार्ट है, इसका एग्जांपल, ठीक है. सुपरमार्केट के ऊपर बढ़ते हैं. सुपरमार्केट क्या है, एक ऐसा मार्केट है, एक ऐसा स्टोर है जहां पर आपको ग्रोसरीज और हाउस होल्ड, यानी खाने पीने का आइटम और घरेलू आइटम आपको मिलता है, जैसे कि बेकरीज हो गया, ब्रेड्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, ठीक है ना. यानी पैक्ड सामान भी मिलता है आपको, पैकेट वाले, ठीक है ना. अब आते हैं वेयर हाउस पे. वेयर हाउस क्या होता है, वेयर हाउस मतलब हो गया एक ऐसा स्टोर जहां पर आपको, अगर आप बल्क में लेंगे तभी आपको डिस्काउंट मिलता है, और वहां पर जो रेंज होती है प्रोडक्ट की वो भी लिमिटेड होती है. यानी कि अगर अगर क्लियरली एक बात कहा जाए तो ऐसा स्टोर जहां पर स्टोरिंग किया जाता है, जैसे कोल्ड स्टोरेज होते हैं, गोदाम हो गए बड़े बड़े, जहां पर अनाज मंडी होगी, जहां पर अनाज है तो भैया अनाज के भी दो तीन ही, राइस हो गया, वीट हो गया, यही होंगे लार्ज अकाउंट में. वहां पर क्या होता है कि एक दो किलो नहीं मिलेगा आपको, बोरीज, कुंटन, इस तरह की उसमें मिलता है, टन में मिलेगा, टोन में मिलता है, इस तरह करके, यानी लार्ज लार्ज रेंज पे आपको मिलेगा एमआरपी पे. पोप एंड मॉम शॉप, नेक्स्ट. पोप एंड मॉम शॉप का मतलब होता है किराना स्टोर, एक ऐसा स्टोर जहां पर आपको डेली बेसिस की नीड की चीजें मिलती है, जैसे जनरल स्टोर हो गया आपका, ठीक है, जनरल स्टोर हो गया आपका, और थोड़ा सा जैसे कि किराना स्टोर के अलावा इसको पोप एंड मॉम शॉप भी कहा जाता है आउट ऑफ स्टेशन में. यहाँ पर ब्रेड, चावल के लिए आप चले जाते हैं, टॉयसेज, ये सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है. स्पेशल स्टोर, स्पेशल स्टोर क्या होता है, स्पेशल स्टोर एक ऐसा स्टोर है जहाँ पर स्पेशल आइटम मिलते हैं, यानी कि एक ही ब्रांड का, एक ही ब्रांड के वहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट मिलेंगे. जैसे टीवीएस के शोरूम में टीवीएस का ही प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ भी सामान लेना है, डेल के शोरूम में डेल का ही मिलेगा, तो क्या है, एक स्पेसिफाई ब्रांड है, उसी की सारी गुड एंड सर्विसेज मिलेगी. वुडलैंड के शोरूम में वुडलैंड का प्रोडक्ट मिलेगा, बाहरी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. अगर टीवीएस के शोरूम में यमहा की बाइक नहीं मिलेगी आपको, टीवीएस की ही मिलेगी, तो ये क्या है, स्पेशल, ठीक है ना.
मॉल। मॉल क्या है? एक ऐसा प्लेस है जहाँ, एक ऐसी लोकेशन होती है मॉल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर एक बिल्डिंग के अंदर कई सारे सेवरल टाइप्स के आउटलेट्स होंगे, और वहां पर हर एक स्टोर का हर एक स्पेसिफाई पर्सन होगा जो कि आपको इंट्रोड्यूस करेगा, आपको इंफॉर्मेशन देगा प्रोडक्ट के बारे में, और वहां पर कोई मैचिंग नहीं। अगर मॉल में जाएंगे तो क्या होता है, अधिकतर आप देखते होंगे वहां पर अधिकतर क्या होगा, नीचे पीवीआर, ऊपर पीवीआर होता है, बैक साइड में आप जाएंगे बिग बाजार होता है, थोड़े मोड़े मोबाइल के शोरूम्स होते हैं, और नीचे और कई कई सारे के अदर अदर स्टोर होते हैं, लेकिन उनमें कोई मैचिंग नहीं है, अलग अलग टाइप्स के आउटलेट्स होते हैं जो आप मिक्सअप होते हैं, तो इट इज अ मॉल। ई-टेल का मतलब क्या होता है? ई-टेल का मतलब हो गया ऑनलाइन, जो भी आप ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं जैसे कि बिग बाजार, कोई भी आप जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओला, यूबर, ये सारी चीजें जो भी ऑनलाइन वे में आप बाइंग सेलिंग करते हैं, जहाँ पर आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिलता है, ऐसे स्टोर को हम क्या कहेंगे? ई-टेल। इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, वैसे मैंने इसको इसलिए आपको आपके सामने इसको एक्सप्लेन किया है क्योंकि हम पढ़ने से ज्यादा सुनने में बिलीव करते हैं, इसलिए तो मैंने इसको समझाया भी है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे।